शनिवार को बाबा साहब अंबेडकर की नगरी महू पूरी तरह से नीले रंग में रंगी नजर आई। जय भीम के उद्घोष के साथ अंबेडकर के अनुयायियों ने बाबा साहब की 127वीं जयंती समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आतिथ्य में हुए भव्य समारोह में हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सामाजिक समरसता का संदेश दिया। इस मौके पर महामहिम ने 14 अंक को अपने जीवन का सबसे अनुपम अंक बताया और देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में महानगरी में आने को सौभाग्य का विषय बताया। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि आज देश के समानता का अधिकार बाबा साहब की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व में बना हमारा संविधान सभी देशवासियों को समानता का मूल अधिकार देता है। इस मूल अधिकार के कारण हर एक भारतवासी गरिमा में पूर्ण जीवन जी सकता है। इसी संविधान द्वारा दिया गया दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ मतदान का अधिकार, अर्थात वोट देने का अधिकार, जो कि हमारे लोकतंत्र का आधार है। देश के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए इन दोनों अधिकारों का विशेष महत्व है। यही संविधान हमें शिक्षा का अधिकार भी देता है। नागरिकों को मिले सभी अधिकारों का समुचित उपयोग करने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। समारोह में मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत सहित कई गणमान्य उपस्थित थे। इस अवसर पर सीएम शिवराज ने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर ने न केवल संविधान की रचना की बल्कि स्त्री पुरुष समानता का फैसला भी बाबा साहब की देन है। उन्होंने विपक्षी दल कांग्रेस को भी अपने भाषण में आड़े हाथों लिया और संविधान बचाओ यात्रा पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बाबा साहब को जीते जी अपमानित किया आज उन्हें फूल चढ़ाने आते हैं। भारत का संविधान उन्होंने बनाया, आज मैं देख रहा था कुछ लोग संविधान बचाओ यात्रा पे निकल पड़े और वो लोग निकल रहे जिनने संविधान की धज्जियां उड़ाई 1975 में आपातकाल लगा के। आज संविधान बचाओ की बात करते हैं, पंचतीर्थ की बात हमारे नेता थावरचंद गहलोत जी कर रहे थे। मेरे बहनों और भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 2016 में उन्होंने उस मकान में, उस बगले में जहां बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान लिखा, वहां भव्य स्मारक बनाने के भूमि पूजन किया और कल उसका लोकार्पण कर दिया श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने। पंचतीर्थ की बात थावरचंद जी ने की, यहाँ महू में अंबेडकर नगर में एक ईंट कभी कांग्रेस की सरकारों ने लगाई, अगर स्मारक बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अगर अंबेडकर महाकुंभ हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और अगर महू का नाम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की पहल के कारण हुआ। उनको आज बाबा साहब की याद आती है। समारोह में बाबा साहब के अनुयायियों ने जय भीम के नारे के साथ कमजोर वर्ग को सक्षम बनाने का संकल्प भी लिया। कुल मिलाकर महामहिम राष्ट्रपति की उपस्थिति में महू में दलितों का महाकुंभ गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, महू।